वजीर अला पंजाब से मुलाकात क्यों की, लीगी अराकीन का बागी अराकीन का हर महाज पर मुहासरा। ना सिर्फ पार्टी इजलास में शिरकत से रोक दिया बल्कि बागी अराकीन को पंजाब असम्बली के ऐवान में भी जाने नहीं दिया गया। लीगी रुकन मियां रऊफ ने पंजाब असम्बली के बाहर साथी रुकन जलील अहमद शरकपुरी के सर पर लोटा रख दिया। हमारा मैंडेट वापस कराओ, शेर का निशान वापस कराओ, जवाब जो आएगा तो इलेक्शन में आओ। अच्छा आ जाएंगे ना, जवाब 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 मांग रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून के अराकी ने बागी रुकन मौलाना गयासुद्दीन को भी ऐवान के बाहर रोक लिया। सारे लड़ेंगे, मैं तो रवाब हार पाऊंगा। जी सर, दियो डिजाइन। नून लीगी बागी अराकीन असेंबली भी मुस्लिम लीगी क्यादत के खिलाफ फट पड़े। सियासतदान जो है वो भागते नहीं है, सियासतदान मैदान में रहते हैं। अगर उन्होंने अपनी जमात को बचाना है तो यहाँ पर आए, अगर औलाद को बचाना है तो वही रहे। उनके साथ अवाम का एक रुझान पैदा करना, जिसमें भी मियाँ साहब की ओपिनियन राय कुछ और हो, लेकिन उन जो अल्फाज हैं या जो स्टाइल है उससे मेरी ओपिनियन ये है कि वो एक अदारों के खिलाफ एक रिएक्शन मिजाजों में आ सकता है। जलील अहमद शरकपुरी ने स्पीकर पंजाब असम्बली को मियां रऊफ के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की, ताहम स्पीकर ने वाक़े को पार्टी का अंदरूनी मामला करार दे दिया। सारा कुछ हाउस के अंदर नहीं, हाउस के बाहर तो जिम्मेदारी नहीं है ना हमारी, आते में सर दूसरी नहीं, और ये उनकी अपनी पार्टी के मसले हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकीन ने वाजे किया कि जो रुकन भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात करेगा उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। कैमरामैन फैसल रजा को साथ ही रिपोर्टर अली वकार के साथ अबू बकर बिलाल, डॉन न्यूज़ लाहौर।